एनएचपीसी चमेरा में नौकरी करने वाली महिला कामगार को बिना कारण बताओ नोटिस के निकाल दिया गया। इस संबंध में जब एनएचपीसी वर्कर कर्मचारियों ने उपायुक्त चंबा को ज्ञापन सौंपा, बताते चले कि चंबा देवी पिछले 15 सालों से एनएचपीसी में बतौर सफाई कर्मचारी काम कर रही थी। अतः 1 फरवरी 2024 को ठेकेदार व एनएचपीसी प्रबंधन द्वारा उन्हें काम से निकाल दिया गया और वे भी किसी कारण बताओ नोटिस के। इस गरीब महिला को ये बताया गया कि उसकी उम्र पूरी हो चुकी है। जब चंबा देवी ने इसके बारे में महाप्रबंधक को बताया कि पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार मेरी उम्र अभी 54 साल है, जिसमें कागजात प्रबंधन को प्रस्तुत भी किए गए, लेकिन महाप्रबंधक ने बताया कि आधार कार्ड भी अपडेट करवा लें, जिसके बाद फिर से उसे नौकरी में वापस लिया जाएगा। लेकिन ठेकेदार और कंपनी प्रबंधन की मिलीभगत के चलते एक महीना बीत जाने के बाद भी उन्हें नौकरी पर लेने से साफ इनकार कर दिया। तब से उन्हें यहाँ वहाँ भटकाया जा रहा है। उसके बाद यूनियन ने इस मामले की बात की, अभी तक चंपा देवी को कोई न्याय नहीं मिला है, इसके चलते ये समस्या और बढ़ रही है। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाने को कहा। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज़ हिमाचल। आज हम यहाँ DC साहब से मिलने आए हैं और जो मामला है DC साहब से मिलने का, वो है NHPC चमेरा 2 में एक सफाई कर्मचारी है, उनको गैर कानूनी तरीके से जो है वो निकाला गया है। और ये मामला है, लगभग एक महीना हो गया और उसमें ये जो इन्होंने जिस वजह से निकाला है उसमें ये कहा कि इनकी जो एज है वो रिटायरमेंट की हो गई, मतलब 58 साल हो गए हैं। मगर जो इनका आधार कार्ड था, तो सबको पता ही है जब आधार कार्ड बने और पहचान पत्र बने तो वो सब जगह तुक्का लगा है एज का, कहीं ठीक है कहीं। तो ये इन्होंने कहा कि हमें जो है वो समय दो, हम इसको एज को ठीक करके देते हैं। फिर मैनेजमेंट ने कहा ठीक है कि आप जो है वो ठीक करके ले आओ। जब ये ठीक करके लेके गए अपना सारा जो डॉक्यूमेंट है, तो अब मैनेजमेंट जो है उसको NHPC की मैनेजमेंट बोलती है कि भाई आप हमारे वर्कर नहीं हैं। और जब ठेकेदार को बोलते हैं, ठेकेदार बोलता मैं नहीं रखूँगा, और ठेकेदार ये बोलते हैं कि भाई ठेकेदार के ऊपर भी कोई ठेकेदार है जो साइलेंट है ना। वो जो ठेकेदार बोलता मेरे हाथ में नहीं है ये, इसके पीछे कोई और है। तो ये जो NHPC और ठेकेदारों की जो मिलीभगत है, इसके चलते चमेरा हो चाहे कहीं और हो, NHPC के प्रोजेक्टों में जो आउटसोर्स वर्कर है उसका बड़े पैमाने पर शोषण हो रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण ये चंपा देवी हैं, जिनको पिछले एक महीने भर से इधर उधर के चक्कर जो है लगाए जा रहे हैं। प्रशासन से भी हम कई बार मिल चुके हैं, मैं खुद ADM साहब से भी मैंने बात की है, हमने लेबर डिपार्टमेंट में भी बात की है, हम आज DC साहब से मिले हैं। अभी DC साहब ने बोला कि मामला मेरे ध्यान में है और हम इनको रखवा देंगे। अब ये नहीं समझ आ रहा कि भी कब रखवाएंगे। एक महीने से 18 से तो आधार कार्ड जो ठीक करवा के दे दिया है, तब भी नहीं रख रहे हैं। NHPC में जाओ तो जाने के अंदर परमिशन नहीं है, हम भी नहीं जा सकते हैं, हमें भी जाना तो नहीं आपके लिए नहीं है, पास बना के लाओ। पास तो अंदर वाला बनाएगा, वो बोलेंगे हम इजाज़त नहीं देते यूनियन वालों को। ये तो गरीब आदमी है, ये अंदर कैसे जाएंगे। तो मामला यहाँ पे NHPC के अंदर मतलब ये जो कानून व्यवस्था का है, जो लेबर लॉज है, वो नहीं लागू है। अभी हम आपको बताएं 19 तारीख को एक NHPC वर्कर का फरीदाबाद में, इनका जो हेड ऑफिस है वहाँ पे धरना था, इस बात को लेकर धरना था कि जब हमारे कोई दिक्कत होती है तो हम जो है वो मैनेजमेंट के पास जाते हैं, तो मैनेजमेंट बोलती कि तुम ठेकेदार के वर्कर हैं, जब ठेकेदार का पता करना तो ठेकेदार वहाँ दिखता नहीं है। तो हमने ये कहा वहाँ मैनेजमेंट को कि भाई आप वहाँ एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे, क्योंकि काम तो आप आउटसोर्स वर्कर से मैनेजमेंट ले रही है, ठेकेदार तो ले नहीं रहा है, तो आप ये बनाओ कि कम से कम उनकी जो समस्या आती है उसके ऊपर आप उनको सुने, उनकी समस्या का निवारण करें। तो NHPC के प्रबंधन ने ये चिट्ठी मेरे हाथ में है अभी निकाली है कि पहले वर्कर जो है अपनी समस्या को लेकर ठेकेदार के पास जाएगा, 3 दिन के अंदर ठेकेदार जो है उसका मसले को हल करेगा, अगर मसला हल नहीं होता है तो NHPC का जो प्रबंधन है, जो इनका HR डिपार्टमेंट है, मानव संसाधन जो विभाग है इनका, उसका हेड जो है वो 3-4 दिन के अंदर वो मामले को निपटाएगा। अगर नहीं हो सकता है तो फिर HOP के पास जाएगा, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके पास जाएगा। अब इसी मामले को लेकर हम देखेंगे तो हम तो ठेकेदार से लेकर HOP से लेकर HR से लेकर DC साहब के पास आ गए हैं, लेबर डिपार्टमेंट में आ गए हैं, लेबर डिपार्टमेंट में भी ये जाके ये बोलते हैं जी मेरे हमारे हाथ में नहीं है, NHPC बोलती मैं नहीं रख सकते मेरा इम्प्लाई नहीं है, और ठेकेदार बोलता कि मैं नहीं रखूंगा। तो ये जो मनमानी चल रही है ये सही नहीं है, और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये जो धांधली उसके अंदर चली हुई है, जो बड़े पैमाने पर ठेका वर्कर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसकी बात को सुना नहीं जाता है,
तो इसके ऊपर जो है प्रशासन जो है वो कोई कदम उठाए, उनको डायरेक्शन दे कि ये ऐसा नहीं चलेगा। रहा रही यूनियन की बात, तो हम तो शांतिपूर्वक तरीके से मैनेजमेंट को बोलना चाहते हैं कि ये आपके वर्कर है। अरे काम की ड्यूटी कौन लेता है, काम कौन लेता है? काम का जो शेड्यूल बनता है वो तो एनएचपीसी का अधिकारी बनाता है, और वो जो काम देता है देख रेख कौन करता है? एनएचपीसी का अधिकारी करता है। ठेकेदार वहाँ है ही नहीं है, ठेकेदार तो सिर्फ एक ठेक का एक माध्यम है। और ये जो समस्या है उसको भी ये सुनना है, एनएचपीसी को सुनना है। जब आप काम ले रहे हैं तो वर्कर को समस्या आपको सुनना है, मगर आप नहीं सुनेंगे, आप हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं जी ये तो ठेकेदार का वर्कर है। और ठेकेदार पता नहीं कहाँ है, कोई किसी को तो पता ही नहीं है, दिल्ली से है किसी को। अगर चंबा के भी हमारे लोग हैं वो भी नहीं पता लोगों को कि मेरा ठेकेदार असल में कौन है। तो ये दिक्कत है ठेका सिस्टम में, वो एनएचपीसी के अंदर ही नहीं है, ये पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जितना आउटसोर्स वर्कर है ये सब की समस्या है। छुट्टियाँ नहीं मिलती हैं इनको, कोई मर जाए, कोई दुख हो जाए, तकलीफ हो जाओ, खुशी हो, गम हो, नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे तो एब्सेंट लगेगी। एक और इनके मैनेजर है वहाँ पे साइड में कोई है मनोज करके, वो तो पीछे तो 15-15 दिन की तनख्वाह काट दी उसने, मतलब कोई वजह नहीं है, पैसे काट दिए। मैडम तो अगर आपकी ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो आप आगे का क्या कदम रहेगा? देखो एक तो आज इन्होंने अभी डीसी से मिले, डीसी साहब ने कागज लिए, बोला मेरे ध्यान में मामला हम करवाएंगे। हम ये प्रशासन से ये क्या नाम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इनको नौकरी की को बहाल कराया जाए। यदि नहीं होता है तो हमने फिर एनएचपीसी वाले तो गेट तालाबंदी की है, वह अंदर नहीं जाने देते, हम डीसी दफ्तर के बाहर ही बैठेंगे यहाँ पे। कितने दिनों का मैम अल्टीमेटम? ये हम बात करेंगे प्रशासन से एक बार, मंडे तक का तो हम सोच सकते हैं कि भी पॉजिटिव होगा। जब डीसी साहब ने कहा, जिला का मुखिया ये कह रहे हैं कि मेरे ध्यान में मैं करूंगा, तो हम ये तो विश्वास कर सकते हैं उनके ऊपर, एनएचपीसी के ऊपर तो नहीं कर सकते हैं। तो हम जो है वो फिर मंडे तक पता करेंगे, और मंडे को फिर हमारा डीसी दफ्तर के बाहर ही धरना होगा।